एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके कॉन्टेंट्स क्या हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने किसी मंजिल पे पहुँचना है और आपने उस मंजिल की तरफ जाने वाला रूट डिफाइन नहीं किया और रूट को प्लान नहीं किया, तो फिर आप बहुत ही मुश्किल है कि अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। बल्कि ये भी पॉसिबल है अगर आपने रूट ही गलत ले लिया है, आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप ऑपोजिट रूट पे चले गए हैं, या मोटरवे से जाना चाहिए था या जीटी रोड से, लेकिन आप कोई और ही रूट ले लिया है और ऑपोजिट यानी मुखालफ सम्त पे चले गए हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो बिजनेस प्लान बेसिकली आपका रोड मैप है, रूट प्लान है कि आप किस मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसको अगर इसके कॉन्टेंट्स और इसका पर्पस समझना है, तो मेरी जो बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, उसका चैप्टर 1 पेज 15 पे मैंने इसके कंप्लीट मेंशन कर दिया है। वहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है, एन इफेक्टिव एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान शोज एवरीथिंग यू हैव डिवाइज्ड फॉर कमर्शियल ऑपरेशन अब्रॉड, यानी बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी आपने कमर्शियल ऑपरेशन एडवाइस किए हुए हैं, उसके लिए जो कुछ भी आपने गाइडलाइन लिखी हुई है वो उसमें क्लियरली मेंशन होने चाहिए। और इसका इसका जो पर्पस है और इसका जो फंक्शन है और कंटेंट्स है, ये किसी भी कंपनी का द मोस्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इट इज नाइदर ए मैनुअल नॉर ए शॉर्ट स्टोरी, ना तो ये मैनुअल बन जाने चाहिए, ना तो ये इसकी जरूरत इतनी नहीं है कि बिजनेस प्लान आपका बॉक्स फाइल में बना हुए, और ना ही ये कि एक पेज में सारा बिजनेस प्लान बना हुए। कंसाइज हो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कितने पेजेस में उनकी रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर्स सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैक्सिमम ये 6-7 पेजेस पे होना चाहिए, इससे लेंथी नहीं होना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अपग्रेड करते जाएं विद रिसर्च विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि जो बिजनेस प्लान है इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बैक्ड बाय लॉजिकल एनालिसिस एंड कंसिडरेशंस। लॉजिकल एनालिसिस क्या है? आपने रिसर्च की, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए, उसकी बेस पे आपने सारे डिसीजन लिए, उसकी बेस पे बिजनेस प्लान बना, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के चार दोस्त बैठे चाय शाय पिए तो बिजनेस प्लान बन गए। ऐसे बिजनेस प्लान नहीं बनता। बिजनेस प्लान बनेगा रिसर्च के बाद, और रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर यानी अदादो शुमार के बगैर रिसर्च कभी भी मुकम्मल नहीं होती। आपके पास अदादो शुमार होए, उसकी बेस पे आप एनालिसिस करें, एनालिसिस के बाद आप बिजनेस प्लान को बनाएंगे। अच्छा, वहाँ पे पर्पस भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं साथ। पर्पस भी मैंने क्या लिखा है? टू ब्रिंग ऑल रेलिवेंट मैनेजमेंट टूल्स एंड मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स टूगेदर। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट टीम, देन टू गिव अ डायरेक्शन टू ऑल योर प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट आउट। देन थर्ड पॉइंट, टू गिव टाइम एंड एक्शन प्लान। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू शो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ये 4 जो हैं ये पर्पस हैं प्लान का। अगर बिजनेस प्लान आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा तो बिजनेस प्लान आपका गलत बना है, फेलियर है, फ्लॉप है, उसको फॉलो करने से आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। क्योंकि जब
कोई भी काम किया जाए उसका पर्पज़ ही फिल नहीं होता तो फिर वो काम करना जाया जाता है। देन मैंने बिजनेस प्लान के सारे कॉन्टेंट्स दिए दिए हैं 10 पॉइंट्स पे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी आती है। हालांकि एग्जीक्यूटिव समरी बनेगी तब जब बिजनेस प्लान सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर सर्च फैक्ट्स एंड फिगर बन चुके होंगे तो एग्जीक्यूटिव समरी टॉप पे सिर्फ समरी आएगी जो कि इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए या अपना बिजनेस प्लान किसी को दिखाने के लिए होएगी। उसके बाद वो बिजनेस प्लान को पड़ेगा। तो सारा बिजनेस प्लान बन जाए उसके बाद समरी बनती है। तो बिजनेस प्लान का पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव समरी है जहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ द प्लान होंगे, बिजनेस डिस्क्रिप्शन और टारगेट मार्केट्स आएंगे, समरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आएगी। सिर्फ 3 पॉइंट्स, नथिंग एल्स। सेकंड पॉइंट पे बिजनेस बैकग्राउंड है, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स ऑफर्ड शोइंग डिस्टिंक्ट एडवांटेज आपके प्रोडक्ट में, कोई ऐसी क्या खास खूबी है जो दूसरों से बेहतर है, फिर ही आपकी कामयाब होगी। कोई ना कोई USP आपका होना, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कोई ना कोई तो हो ना जिसके बेस पे आपने कामयाबी हासिल करनी है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी एंड स्पॉट एनालिसिस करें, प्रेजेंट परफॉर्मेंस दें, रैशनल इज द बेसिस फॉर द डिसीजन टू एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, किन पॉइंट्स की बेस पे आपने ये डिसीजन लिया। तीसरे पॉइंट पे आ जाता है मार्केट रिसर्च है, मार्केट टारगेट मार्केट कौन सी आपकी टारगेट कंट्री। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं पूरी दुनिया को बेचना शुरू कर देते हैं। हर प्रोडक्ट हर मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर रिक्वायरमेंट है तो उस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर ही वो प्रोडक्ट कामयाब होती है। तो टारगेट मार्केट आपकी कौन सी है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस ऑफ द इकोनॉमी क्या है, बैरियर्स टू द एंट्री क्या है, मार्केट में कंपटीशन जो है प्राइसेस क्या हैं, पोटेंशियल कितना है। आप हिस्ट्री तो देखें ना जाके कि ग्रोथ है या डिक्लाइन है और वहाँ पे कितना मजीद गैप है जो आपने फिल करना है। नंबर 4 पे आ जाता है मार्केटिंग डिसीजंस है, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो 7 P's की बात हो रही है, 7 P's की स्ट्रेटजीज लें। नंबर 5 लीगल डिसीजंस है। 6 पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज डिसीजंस है, प्रोडक्ट कैपेसिटी के बारे में, प्लान फॉर एक्सपेंशन है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन है, लोकेशन कहाँ पे। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वेदर आप ऐसी जगह पे अपने प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, कॉस्ट कम पड़ती है, या लेबर आपको चीपर पड़ रही है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, या आप पोर्ट के करीब जाना चाह रहे हैं कि आप इनलैंड जो फ्रेट है, इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट कम हो सके एक्सपोर्ट के लिए। तो ये डिसीजन आपने लेने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ पे है, किस में ज़्यादा एडवांटेज है। देन पर्सनल का डिसीजन है, उसमें बेशमार डिसीजन लेने होते हैं पर्सनल में कि पर्सनल रिक्वायर्ड है, किस क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, क्या उसकी एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस और स्किल्स, उसके बगैर एजुकेशन आपको खाली कामयाब नहीं कर पाती है। आप में रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। तो आपने जो स्टाफ लेना कौन से वाला लेना, फिर उनको फर्दर ट्रेनिंग्स देनी है तो कौन सी ट्रेनिंग्स देनी है, ये भी नहीं पसंद आप हाई क्वालिफिकेशन वाले ले रहे, फिर कॉस्ट आप बढ़ जाए तो कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखना है, पोटेंशियल को जेन में रखना है, लॉन्ग रन में जो डिसीजन है वो लेना है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, कैश फ्लो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, पोटेंशियल रिस्क एंड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन लेने हैं। नंबर 9 पे इंटरिम इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल बनाएं। नंबर 10 पे अपेंडिसेस यानी जो आपने रिसर्च की है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मार्केट सर्वे किए हैं, ड्राइंग्स हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं या की अकाउंट्स हैं, वो सब चीज़ें आप उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, तो देन आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मेरा यही मशवरा है कि बिजनेस प्लान बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छा बने और टू द पॉइंट बने तो फिर ही उसका फ़ायदा है। इसमें अगर आपने जल्दी की और रिसर्च
कंप्लीट ना कर पाए, फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं लिए, तो भाई जो भी अपने डिसीजन लिए होंगे, जो 10 पॉइंट्स हैं, जो भी स्ट्रेटजीज आपने बनाई होंगी, वो स्ट्रेटजीज भी इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह पाक के साथ आप सबको कामयाबी दे, कामयाबी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स उसको ज़रूर पूरा करें। हर काम का एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। किसी मंजिल पे पहुँचना है तो मंजिल का जो रास्ता है वो प्रॉपर लीजिएगा। आप सीढ़ियाँ चढ़नी है, यकदम से छलांग लगा के लास्ट सीढ़ी पे चढ़ना चाहेंगे तो फिर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रेजुअली चढ़ेंगे तो आप आसानी से चले जाएंगे। अल्लाह पाक के साथ आप सबको कामयाब करे, अपना बहुत सारा ख्याल किया जाए। लव योरसेल्फ, लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।